ये हमारे गांव का लारी अड्डा है, मेन लारी अड्डा, और इसकी सिचुएशन देख सकते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोमी खान एक्सप्लोरर। तो आज हम आपको पंजाब का सबसे खूबसूरत इलाका दामन मोहाड़ दिखाएंगे। और आज 27 अगस्त है और इतनी तेज़ बारिश हुई है कि हर तरफ पानी पानी हो गया इस दामन मोहाड़ के इलाके में, और हर तरफ से पहाड़ी नाले, बरसाती नाले जो हैं वो आए हुए हैं। तो अभी भी आप नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ पे काले बादल मंडला चुके हैं और बारिश आने वाली है। और ये देखें, मेरे दोस्त भी मेरे साथ हैं, मुश्तबा भाई। आगे चल के मैं आपको एक बहुत बड़ा पहाड़ी नाला दिखाने जा रहा हूँ, जो कि यहाँ की 40 साल तारीख का रिकॉर्ड टूट गया है, तो वो आगे चल के हम आपको दिखाते हैं। अब ये जो ट्रैक है, ये हमारा बेसिकली ट्रकों का जो है ट्रैक है, ऊपर माइंस पे जाते हैं, कोयला की माइंस हैं। ये ट्रैक भी सारा ख़राब हो चुका है और लोगों की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं, रास्ते बंद हो चुके हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक हो? कौन साहब हैं? जय जय। तो बारिश एंजॉय कर रहे हैं? बारिश बहुत है। ये गाड़ी पीछे आपकी खड़ी है? जय जय जय। अच्छा अच्छा, सही है खान साहब। ये हमारे दामन मोहाड़ का इलाका है नली, और इसके अंदर हम मौजूद हैं। और ये जितना पानी है ये सारा पहाड़ों से आ रहा है, बड़ा तेज़ी से ये नाला बह रहा है। ये कुछ लोग देखने के लिए आए हुए हैं इस साइड पे। ये पानी की रफ्तार देखें आप, बड़ा तेज़ी से पानी बह रहा है, और अल्लाह माफ़ करे। अब उस साइड पे कुछ भाई वो हमारे खड़े हैं, वो इस साइड पे नहीं आ सकते हैं, और जो हम इस साइड पे हैं हम उस साइड पे नहीं जा सकते हैं। ये वाले जो भाई हैं ये उस साइड पे नहीं जा सकते हैं, और इस साइड वाले जो भाई हैं वो इस साइड पे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये नाला इतना तेज़ी से बह रहा है। मुश्तबा, ये आप क्रॉस कर जाओगे नाला? पानी ये जा रहा है और तीसरा वो जा रहा है। आप ये सारा देख रहे हैं, सारा जो हमारे 40 साल का जो है ना यहाँ का रिकॉर्ड वो टूट गया है। इतना पानी अभी तो बहुत कम हो गया, बारिश रुक गई है तकरीबन, बारिश रुकने के 30 मिनट बाद आया तो यहाँ पर पानी अब बहुत कम हो गया। पहले पानी जो है ना वो इससे भी ऊपर जा रहा था सारा। ये दामन मोहाड़ का इलाका है नली, और इसमें ज़्यादातर जो जितने पूरा इलाका है वो वाटर सप्लाई का पानी इस्तेमाल करता है। ऊपर नली वाटरफॉल से पानी आ रहा है और ये सारे पाइप लगे हुए हैं। अब ये पाइप जो है तकरीबन इनको 25 से 30 साल हो गए हैं। तो यहाँ के जो लोकल हैं उनकी यही गुजारिश है कि जितना हो सके हमारी मदद की जाए, क्योंकि ये जब भी पहाड़ी नाले आते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब इन बेचारे गरीब लोगों का तकरीबन आज 10 दिन हो गए हैं पीने के लिए पानी नहीं है। तो उसकी मेन वजह यही है कि जो पुराने पाइप हैं वो पानी के साथ बह गए हैं और इनको नए पाइप की ज़रूरत है। तो ये जितनी आवाम खड़ी है इन सब का मुतालबा है, ऐसा ही है कि हमारा मुतालबा है कि हमारा पानी का मसला जो है वो हल किया जाए, नए पाइप दिए जाए, वो हल किया जाए। तो इसके लिए आप जो हमारे खुशाब के MLA हैं या MP, उनके पास नहीं गए? नहीं, अभी नहीं गए। तो आप बात करें ना उनसे, हवाले से अगर वो हमारी वीडियो देख रहे हैं, मलिक उमर असलम अवान, मलिक शाकिर बशीर अवान, मलिक आसिफ बास साहब, और इसके अलावा मलिक हसन असलम अवान साहब, तो हमारी उनसे यही गुजारिश है कि इस मौके पर जितना हो सके आप इन लोगों की हेल्प करें। पहले भी एक दफ़ा इसी तरह बारिश आई थी, तो ये पानी जो है हमने अपनी मदद आपके तहत, और एक यहाँ पे काजी उस्मान साहब हैं उनकी वेलफेयर के साथ जो है वो लिंक है, तो उसके ज़रिए से पानी जो है हमारा वो सेट हो गया था। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, तो अभी अपनी मदद आपके तहत हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी जो गरीब इस वक्त महंगाई की तकी में फंस रहे हैं, तो कुछ नहीं हो सकता। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प करेंगे। हमारी वीडियो देखते हैं माशाल्लाह मलिक हसन असलम अमान साहब, तो उन तक हमारी ये वीडियो अगर वो देख रहे हैं तो ज़रूर उनको हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि पूरा दामन मोहाड़ का इलाका है और यहाँ की जो आबादी है वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार आबादी है लगभग, और पूरा गांव जो है वो यहीं वाटर सप्लाई का पानी पी रहा है, ऐसा ही है। आबादी काफ़ी ज़्यादा है, बारिश फिर से शुरू हो गई है और पहाड़ी नाला फिर से बड़ा तेज़ी से बहना शुरू हो गया है।
बांध टूट गया, बहुत बड़ा शहर का साढ़े का नुकसान हो गया वाटर सप्लाई का, लिहाजा सारा नाल खसूसी तावन किया वे गवर्नमेंट की तरफ से मेहरबानी शुक्रिया। कोई तक नहीं दिखाया मेरे दोस्त हैं मुश्तबा भाई हैं और ये नासिर भाई आ रहे हैं कहीं काम है, बारिश उधर भी सही हुई है बहुत ज्यादा। ओके 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 ओके, तो अभी हम चल रहे हैं ये साथ साथ जा रहे हैं, तो आपको ये सारे सीन दिखाते हैं। हाँ चल बारिश बहुत अच्छी हो रही है इलाके चोई। यस, हमारे इलाके में बहुत अच्छी बारिश चालू है और हम बहुत इंजॉयमेंट कर रहे हैं, इसलिए हम बहुत खुश हैं इस बारिश की वजह से। बहुत गर्मी थी, आप अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा मौसम हो गया है। अच्छा, और क्या कहना चाहते हैं? और हम यही कहना चाहते हैं कि जैसी हालात हो उनका मुकाबला करो। अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ते सुनाओ भाई, पंजाब भी माशाल्लाह चंगी बारिश हुई तो रज्जो बड़ा करम हो रहा है। मेरे ख्याल पूरे सीजन की चंगी बारिश हुई, सबसे बड़ी बारिश हो रही है सबसे बड़ी। और सुनाओ खरी गए थे? जामी साहब बिल्कुल साढ़े सज्जे पैर आज अंदर पैर। अस्सलाम वालेकुम। और डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बार सुना रहे हो? ओ अल्लाह पाक बड़ा करम हो गया। अच्छा अल्लाह का शुक्र। चलो ठीक है। छोटी सी पहाड़ी है यहाँ पर, ये वहाँ का ये पानी है, ये इतना तेज पानी था, अभी तो बहुत कम हो गया। ये आप देख सकते हैं इतनी शदीद बारिश, ये इधर देख सकते हैं आपको, यहाँ तरफ पानी पानी लग रहेगा, ये देख सकते हैं। और अभी हमने यहाँ से गुजरना है, ये पुल बनी थी नहीं, लेकिन जितनी तेज बारिश थी आप ये देख सकते हैं, ये सारी पुल जो है ना टूट गई। ये हमारे गांव का लारी अड्डा है, मेन लारी अड्डा, और इसकी सिचुएशन देख सकते हैं आप, हर तरफ पानी पानी है। ये नासिर भाई हैं, नासिर भाई। अभी हम रोड के साथ साथ जा रहे हैं और कंडीशन आप खुद देख लें, हर तरफ पानी पानी है। ये कदीर भाई हैं हमारे गांव के, माशाल्लाह मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं, और इनका जो घर है जिस साइड पे, उसके दरमियान उससे पहले आता है एक पहाड़ी नाला, मेरे ख्याल में आज शाम इनका यहीं है, ऐसा ही है ना? यस। गुजर के जाते हैं तो आज शाम तक तो बाइक नहीं वहाँ से गुजरेगी। चले कदीर भाई, इंजॉय करें।